बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शमाम हाइब्रिड। आज मैं ये देखेंगे, आप शर्ट देख रहे हैं, ये इसकी नेकलाइन है और ये इसका दामन है और ये जो इस पर आप फ्रेस देख रहे हैं ये ब्लोची टांग का है। तो मैं ये शर्ट जो ब्लोची टांग की बनाऊंगी और ये स्टफ जो है कपड़ा ये लॉन्ग है, ठीक है। और इसका जो मैंने थ्रेड यूज़ करना है ये सारे डिफरेंट कलर्स में इसके ऊपर यूज़ करूँगी, क्योंकि ये सारा जो ब्लोची टांग का है ये सारा डिफरेंट कलर्स के साथ अच्छा लगता है। ये सारे कलर्स मैंने इसके ऊपर यूज़ करने हैं और ये सारा वुलन थ्रेड है और ये लॉन के ऊपर यही धागा जो है सही लगता है इसकी, क्योंकि हर डब्बी का कलर डिफरेंट बनाते हैं, सेम कलर में ये नहीं बनता। ये देखें, जैसे ये पत्तियाँ ये डिफरेंट कलर्स में बनेंगी, यहाँ पे ये मिरर लगेगा, ये जो खाना ये है ये डिफरेंट कलर्स की डब्बियाँ बनेंगी सारी। तो ये सारे डिफरेंट कलर्स इस पर हम यूज़ करके इसे बनाते हैं। ये मैं इसके दामन से इसको स्टार्ट कर रही हूँ। पहले से ये देखें, हम ये पहले पत्तियाँ ये बनाएंगे, बिल्कुल हमने सिंपल स्टिचेस के साथ ये देखें इसे बनाना है। कि ये साटन स्टिच से ये बन रही है पत्ती, देखिए ये बन गई है। ये हमने इस तरीके से ये देखिए, ये तीन तीन का हम लोगों ने बनाना है कि ये तीन सेम कलर में, फिर अगली तीन सेम कलर में, फिर अगली तीन सेम कलर में। ये सारी हमने इसी तरीके से बना ली है। ये पत्तियाँ देखिए बन गई, इस तरीके से हमने बनानी है। देखें सारी डिफरेंट कलर से मैंने बनानी है। अब इसके बाहर हमने आउटलाइन देनी है ब्लैक कलर से, देखें। देखिए अब हमने इसके अपोजिट साइड से ये देखें, जैसे हम बैक स्टिच बनाते हैं ना वैसे, ये देखें यहाँ से हमें मिडल को निकालना है, ये यहाँ पे इस तरीके से। इसी के हमने इन सब को आउटलाइन देनी है। ये देखिए ये सारी पत्तियाँ कंप्लीट हो गई, इस तरीके से हमने बनानी है। आउटलाइन भी उनकी बन गई। अब ये जो आपको आउटलाइन नज़र आ रही है ना, यहाँ पे हम पहले चेन स्टिच बनाते हैं, इसको हम डोरी की शेप देंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। इस तरीके से सारी हमने पहले चेन बना लेनी है लाइनों के, यानी कि ये देखें लाइनें ये दोनों लगी हुई हैं किसके दरमियान में। ये चेन बना ली, ये देखिए मैंने एक येलो कलर ले लिया। अब ये देखें ये चेन की ये दो साइड्स बनी है, ये और देखिए ये जो इधर वाली साइड है ना, यहाँ से हमने लूप निकालना है। ये सारा हमने एक साइड इसके इस तरीके से पहले बना कर जाना। एक साइड इसकी बन गई, अब ये देखिए हम इसकी दूसरी साइड बनाते हैं। ये उसी तरीके से अभी ये जो धागा एक ये देखिए हमने बना लिया, अब एक ये बच गया, अब इसमें से उठाते जाना है। तो ये इसकी दूसरी साइड भी बन जाएगी। अब हम इसकी ये वाली पत्ती बनाएंगे, इसको ये देखिए बनाने के लिए हमने ये यहाँ से हमने बनाया। ये हमने इसके दरमियान में से भी एक स्टिच छोटा सा लेना है, ताकि ये पत्ती पे देखें बड़ी है ना, तो ये यहाँ से ये दब जाए। ये
देखेंगे इससे कैसे हमने सारी पत्तियाँ बनानी है। और ये सारी जो ये हम दो दो करके एक सेम कलर से बनाएंगे। ये पत्तियाँ भी देखिए इस तरीके से ये बना ली। अब इनके जो आउटलाइन ब्लैक कलर से देनी है वो भी सेम इसी तरीके से देनी है जैसे ये आपको बताई थी। लाएंगे देखिए इतनी बन गई है। आज की वीडियो में मैंने आपको ये वाला पोर्शन बनाना इसका बताया कि किस तरीके से बनाना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके ये वाला पोर्शन जो ये डब्बी किस तरीके से बनाते हैं ये आपको बताऊंगी कि इसे कैसे बनाना है। आज की इतनी वीडियो को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक ले लाफ़।